असल स्टूडेंट्स एस एम ईज मैनेजमेंट के सिलसिले में आज हमारा सातवां लैक्चर है ये लैक्चर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या क्या एफर्ट्स की हैं कॉल इट दी गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टूवर्स डेवलपमेंट ऑफ एस एम ईज हम ये देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह से महत्लिफ इदारों के जरिये महत्फ इंस्टिट्यूशन के जरिये इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया हजब मामूल -e मैं थोड़ा सा को रिलेट कर दू इस लेक्चर को पिछले लेक्चर से पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान पढ़ी थी और उसमें हमने वो फैक्टर्स देखे थे जिन्होंने दाग डाली पाकिस्तान में एस कल्चर की तो उसके बाद फाइनली हम इस बात पे आए थे कि जब इनिशिएटिव लिया प्राइवेट सेक्टर ने तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह से रीजनल uh, लेवल पे नेशनल लेवल पे सब रिजनल लेवल पे उसको uh, जो है उसकी इमदाद की लोगों की और किस तरह से स्पोर्ट किया ये स्पोर्ट्स uh, चाहे इंस्टीट्यूशन थी या इंडिविजल uh, लेवल पर थी या एनजीओ लेवल पर थी इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद हर तरह से हासिल थी आइये इस सिलसिले में आज हम अपने आज के लेक्चर का आगाज करें जैसा कि मैंने गुजारिश की कि हमारा आज का लेक्चर जो है वो है गवर्नमेंट स्पोर्ट्स टूवर्ड्स एस एम ई बेसिकली गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि हमारी सर्वाइवल जो है एसएमई मैनेजमेंट में है एम की डेवलपमेंट में है तो उन्होंने बहुत सारी चेंजेस अपने स्ट्रक्चर में लाए इसमें नेशनल लेवल पे भी कुछ चेंजेस थी कुछ रीजनल लेवल पर थी कुछ सब रिजनल लेवल पर थी कयाम था नए फल इंस्टिट्यूशन का जो कैटरफॉर करते थे एस एम ईस को ऐसे रेगुलेटरी इदारों का क्याम था जो सिर्फ कंट्रोल करते हैं एस एम ईस को जैसे समीडा है हम बाद में चल के पढ़ेंगे इसके बारे में इंडस्ट्रियल स्टेट्स का क्याम था मुख्तल महकमों का क्याम था तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारे यहां इसका जो है इस शुरू कैसे हुआ बेसिकली तो हमारी जो एस की कोशिश थी स्मॉल इंडस्ट्री सिक्सटी से शुरू हो चुकी थी लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस मैंने जैसे गुजारिश की ये हमें जो वाज तौर पे नजर आती है एटीज में आती है सिक्सटीज में जब इसको शुरू किया गया तो देखना ये था कि जी हमारे पास मॉडल कौन सा सबसे अच्छा है इसको शुरू करने के लिए तो सबसे पहले जो मॉडल अडोप्ट किया गया वो हमारा रीजनल मॉडल था पड़ोसी मुल्क से हमने देखा जी कि एस की जो तरक्की हुई है उसके पीछे क्या मॉडल था तो 1967 में एक मॉडल बना था इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड एस डेवलपमेंट मॉडल कहलाता है ये मॉडल क्या है इस मॉडल का मकसद ये है कि आप एस को उस सूरत में डेवलपमेंट कर उनकी कर सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवेल्पमेंट करें यानी पहले आप बुनियादी ढांचा मजबूत करें और उस बुनियादी ढांचे को आप तरवीज देते हुए आगे ले जाए तो तब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जो खुद अपने लिए मुख्तफ अशया को एक एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकती जैसे बिजली है गैस है सीवरेज है वाटर सप्लाई है ड्रेनेज सिस्टम है लेबर कॉलोनीज है मुख्तलिफ किस्म की जो रॉ मेटेरियल की एक्सेस है तो एक छोटा इंडस्ट्रेस जो है वो अपने तौर पे उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इन चीजों को इकट्ठा करें तो 1967 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड मॉडल था उसकी बेसिस ये थी कि फर्स्ट डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वी एसएमईज एंड देन ऑटोमेटिकली एसएमईज जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी इसमें गवर्नमेंट ने बहुत हद तक खुद सब्सिडाइज किया कास्ट को तो हम देखते हैं जी आ, किस तरह से गवर्मेंट ने अपनी जो स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करके और एक मुख्तलफ जो है वह चेंजेस लाए अपने निज़ाम में और उसकी जो बिना पे फिर हमारे यहाँ जो शुरू हुआ सिस्टम एस एम एस डेवेलपमेंट का तो आइए इस सिलसिले में देखें सबसे हमने देखना जी कि प्रवेंशन लेवल पे सुबाई सतह पर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ऐसे बने जिन्होंने तरवीज दी एसएमईस को जाहिर है जब हम किसी चीज़ को शुरू करेंगे तो हमारा एक लेवल है नेशनल लेवल है फिर प्रवेंशनल लेवल है फिर डिवीजन लेवल है फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल है फिर तहसील का लेवल है फिर गांव का लेवल है फिर इंडिविजुअल लेवल, लेवल है तो हमेशा जो होता है ये एक जो स्टेप वाइज चीजें हैं ये नीचे आती हैं और तरक्की की जो इशारा है उस पर गामजन होती हैं हमारी गवर्नमेंट ने जैसे मैंने गुजारिश की कि जो बेसिक मॉडल लिया था दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस और उसी को आगे किया गया तो सबसे पहले जो इदारा हम डिस्कस करेंगे वह है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन पी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जो बिना है ये 1972 में डाली गई और ये एक ऑटोनमस इदारा है मुख्तार इदारा है जिसके के जो इंचार्ज हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वह जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वह गवर्नर पंजाब हैं ये इदारा बहुत तरीके से फाल है ये न सिर्फ ये कि मुख्तलफ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गाइडेंस उसके बाद बेस फ्राहम करता है फॉर लर्निंग दी क्राफ्ट्रेंडशिप उसके बाद वोकेशनल सेंटर्स के जरिए हेल्प करता है तो इसके साथ साथ ये एक बॉरिंग और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का इदारा भी है जिसका रिकवरी रेट अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा है तो आइए देखिये कि इसकी सर्विस क्या है हमने पहले देखना है जी कि लोन लोन के लिए इनकी जो लिमिट है वो सेवन प्वाइंट फाइव लाख तक इनकी जो है लिमिट है जो पंजाब स्मॉल इंडस्टिस की और उसके लिए जो हमने देखा कि रिकवरी रेट पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज का था ये बहुत ही इंकरेजिंग है इसीलिए जो अगर हम डिस्पर्समेंट देखें तो जो मेजर डिस्पर्समेंट है वो पंजाब स्मार्ट इंडस्ट्री स्टेट की है दूसरे सूबों की नस्बत पंजाब इंडस्ट्री स्टेट ने ना सिर्फ ये कि लोन डिसपर्स किया बल्कि उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने जो बेसिक क्राफ्टमैनशिप थी उसको फरोग दिया मुख्तफ सेंटर्स बनाए पायलट प्रोजेक्ट बनाए शादरा में जैसे सरमिक इंस्टीट्यूशन है इस तरह टेक्सटाइल सेंटर है मेटलर्जी सेंटर है सियालकोट में आ, तो उनका जो बेसिकली आ, फायदा ये हुआ कि हमारी जो अनस्किल्ड लेबर थी वो एकदम से स्किल्ड लेबर में शामिल होना शुरू होगी जब स्किल्ड लेबर में शामिल होना शुरू होगी तो ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ी बल्कि उसके साथ साथ वेजेस पे भी बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा तो ये एक उनकी जो एडिड बेनिफिट जो था वो स्मॉल इंडस्ट्रीज का था तो हम दूसरा देखते हैं जी क्या उनका है रिकवरी में मैं फिर असर कर दू कि एट्टी वन प्वाइंट सिक्स परसेंट रिकवरी है जो कि एक छोटे इंस्टीट्यूशन के लिए जिसका दायरा कार को बड़ा नहीं है यहां पर मैं ये वाजह कर दू कि रिकवरी के लिए जो लॉज एप्लीकेबल है स्मॉल इंडस्ट्रीज में वो फेडरल बैंकिंग लॉज नहीं है बल्कि रेवेन्यू लॉज है जो प्रवेंशियल बेस्ड लॉ है और उनके बेस के ऊपर अगर डिफ़ॉल्ट हो तो उनको आ, जो है एप्लीकेबल लॉज जो हैं वो रेवेन्यू पंजाब रेवेन्यू लॉज हैं तो इसका हम नेक्स्ट देखते हैं जी टोटल डिसबर्समेंट जो स्मॉल इंडस्ट्रीज ने की वो 1800 मिलियन रुपीज की, की विच इज ए साइजेबल अमाउंट फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टीट्यूशन लाइक पी और उसके साथ साथ डेट इक्विटी रेशो यानी सरमायादार के पैसे कितने हैं और गवर्नमेंट जो है वो कितने पैसा लगाती है सेवनटी थर्टी का मतलब ये है कि थर्टी परसेंट पैसा इन्वेस्टर जो है वो अपना लगाएगा और उसको सत्तर परसेंट जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी डेट की सूरत में लोन की सूरत में तो हमारी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट ने सेवेंटी थर्टी परसेंट की रेशियो से फाइनेंसिंग की चौदह इंडस्ट्रियल स्टेट्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या है इंडस्ट्रियल स्टेट शहर से बाहर अब तो खैर चूंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री स्टेट रे एग्जिस्ट इन साइड द सिटी लाइक इन गुजरावाला लाइक like इन सियालकोट लेकिन कॉन्सेप्ट यह है कि आउटसाइड द सिटी एक सॉर्ट ऑफ सेटेलाइट टाउन बना दिया जाता है जिसके अंदर उसके अपने सेल्फ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं सड़कें सीवरेज वाटर सप्लाई उसके बाद uh, जो है आपकी फ्रेश वाटर सप्लाई जो है ड्रेनेज है आ, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं इकट्ठी एक, एक जगह पे करके स्वीई गैस बिजली जो है इनको सारों को एक जगह पे इकट्ठा करके तो प्लाट्स बना दी जाते हैं तो हर बंदा अपनी जरूरत के मुताबिक वहां पे सब्सिडाइज रेट्स गवर्नमेंट के हैं बड़े अच्छे सस्ते रेट्स हैं उनके ऊपर प्लाट्स लेकर वहां पर अपने यूनिट जो है अपनी जरूरियात के मुताबिक लगाता है तो जनाब चौदह इंडस्ट्रीज जो है ये पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज ने ये स्टेट बनाई जो कि बड़े शहरों में जहां पे क्राफ्टमैनशिप बहुत ज्यादा है उसके ज्यादातर जैसे सियालकोट में बनी गुजरावाला में बनी है गुजरात में है तो सरगोदा में है तो ये उन शहरों में बनी जहां पे आ, जो है फरोग दिया जाना था कि जहां पे बेसिक क्राफ्टमेंटशिप पहले मौजूद थी इसका फायदा ये हुआ कि आप देखें कि इन शहरों में जहां पे क्याम हुआ स्मॉल स्टेट्स का वहां पे जो शराह है कन्वर्जन की मीडियम साइज स्मॉल टू मीडियम एंड मीडियम टू बिग साइज एंटरप्राइजेस वो बहुत ज्यादा है मसला सयालकोट में कदीम तीन हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पे जो शराह है तबदीली की तो बहुत सारे लोग जो आ, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के उनका बेस जब हम देखते हैं तो नाइन्टी परसेंट मोर दैन नाइन्टी परसेंट ऑफ दैम स्टार्ट फ्राम दैन मूव

लोगों को स्पेशली इसमें जेंडर जो आ जाता है जो प्रायोरिटी आ जाती है कि खातन जो घर में हैं और देहातों में कुछ खुवात जो हैं वो हांसी उनके पास टाइम होता है तो उनको ऐसे मौके फराम किए जाए कि उसको वो क्रिएटिविटी में यूटिलाइज़ करें उसको क्रिएशन में यूटिलाइज करें और इस तरह से जो है उसने इंडस्ट्रियल विलेज इंडस्ट्रियल जो प्रोग्राम थे वो शुरू किए जिसका कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकला और इसमें ज्यादातर जो फाइनेसिंग थी डेट व फॉरन एड फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की कि मुख्तफ किस्म के तकनीकी इदारे मुख्तफ शहरों में कायम किए गए उसमें जो मशहूर हैं वह सियालकोट का मेटलर्जी सेंटर है शाहदरा का सरामिक सेंटर है इसी तरह से uh, टेंडरी सेंटर है uh, यहां पर हर तरह की तरबियत दी जाती है uh, उन नौजवानों को जो ये चाहते हैं कि वो तालीम हासिल करने के बाद बेसिक एजुकेशन यानि मेट्रिक के बाद वो किसी इंडस्ट्री में एक बाज्ज्जत रोजगार कमाने के काबिल हो जाएं तो गवर्नमेंट उनको यहाँ पे खुद जो हमारी पंजाब स्पॉन्डरसी स्टेट है उसने ये सेंटर्स बनाए हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और इनको वो मुख्तफ बैच मेकिंग की सरामिक जो आइडेंटिफिकेशन है मेटलर्जी ऑपरेशन और ये सारी चीजें सिखा के तो फिर इनको कार आमद वर्कर बना के मुखलिफ इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है तो ये एक इसका फंक्शन हो गया अब हमारे पास आती है जी सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे मैंने कि मैंने गुजारिश की जब ये बिना डाली गई स्मॉल इंडस्ट्रीज की तो सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज भी साथ ही बनी सेवेंटी टू में जब कयाम हुआ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज का तो उसके साथ साथ सिंध सा स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी जो है उनकी उसकी बुनियाद रखी गई बेसिकली चारों सूबों में ही रखी गई यानी ये न सिर्फ के पंजाब में सिंध में सरहद में और हमारे सूबे बलूचिस्तान में चारों सूबों में ये इदारे जो थे वो कायम किए गए तो पंजाब के बाद हमने ये देखना है कि सिंध में ये जो हाई इसने सबसे जो बड़ा काम किया उसमें यह किया कि जो काटेज इंडस्ट्री थी हैंडी क्राफ्ट की वह बड़ी रिच है सिंध में उसको इन्होंने बड़ा ज्यादा तरवीज दी उसको बहुत ज्यादा तरक्की दी मुख्तल मटीरियल जो थे वो सप्लाई किए घरों में जाके और लोगों को बताया कि जी आप ये मटीरियल लें आप बनाएं बेचें आ, डिस्प्ले सेंटर्स कायम किये नाइन्टी टू शॉप्स बनाए मुख्तलिफ जो बड़े ही कम किराये पे आ, जो है कारीगरों को दी गई कि जनाब आप अपनी चीजें बना के यहीं पर बनाएं यहीं पर उनको बेचें उससे एक तो ये हुआ कि एक उनकी क्रॉसफ्रेंडशिप को आ, जो है वो आ, आगे आने का मौका मिला और दूसरा एक बाइजत रोजगार उनके लिए बन गया और तीसरा हमारी जो हैंडीक्राफ्ट्स थी वो एक अट्रैक्शन का बायस बन गई टूरिस्ट के लिए और इसी तरह से ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट में कन्वर्ट होता गया तो ये एक मेजर है तो हम देखते हैं कि जी सिंध इंडस्ट्री स्मॉल जो कॉरपोरेशन है उसने किस तरह से अपना जो पार्ट है वो प्ले किया है एस या स्मॉल बिजनेस की को फरोग देने में आ, अगर हम देखें तो सत्रह इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन्होंने बनाई पंजाब में जैसे मैंने गुजारिश की थी चौदह इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई गई थी सिंध स्मालीज ने सत्रह इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई और उसके बाद छह आर्ट्स एन कॉलोनीज बनाई ये क्या कॉलोनीज थी कि چھوٹی देहात में پہ छोटी زیادہ وہ لوگ جن کی کرافٹ مین شپ جو تھی وہ بڑی قابل काबिल تھی اور جن کو بہت زیادہ महारत हासिल थी मुख्तलिफ चीजें बनाने में जैसे कि इसमें हाल टाइल्स हैं सिंध के अंदर पोट्री वर्क है उसमें हमारी जो आ, जो है सेडरी का, का काम है हमारा जो ब्रॉस का, का काम है शीशे का जो आ, हमारा काम है आ, ये मुख्तलिफ जो चीजें थी ये सिंध के अंदर अजरक का काम है जैसे तो ये मुख्तलिफ छोटी छोटी जगहों पर यह कारीगर जो थे ये बेचारे गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि कॉलोनीज बनाई इनको बाइजत वहां पे बैठने की जगह दी उनको रॉ की दी ये सरमाया दिया या रॉ रा, मटेरियल डायरेक्टली उनको दिया और इस तरह से छह कॉलोनीज हैं वो बनाई और जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि उसमें बानवे नाइन्टी टू जो हैं वो दुकान बनाई गई जो कि न सिर्फ ये थी कि देआर शॉप फॉर डैम एट ए वर्किंग प्लेस बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ डिस्प्ले सेंटर वे पीपल गो इजीली एंड बाय द थिंग्स फॉर देम यानी काम के साथ साथ एक बाजत रोजगार भी उनको मयसर आया रेट ऑफ मार्कअप इनका सात परसेंट था जी क्योंकि मैं यहां गुजारिश करता चलूं कि सिंध स्मॉल स्टेट जो थी ये न सिर्फ के एक ऐसा इदारा था जो कि फैसिलिटीज फ्राह्म करता था अपने इंडस्ट्रीज के लोगों को बल्कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी आगे आया तो इनका मार्कअप रेट जो था जो इंडस्ट्री कोई शख्स इनकी इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो सेवनटीन इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई थी उनके अंदर लगाता था तो उसको इंसेंटिव देने के लिए उससे सिर्फ सात परसेंट मार्कअप चार्ज किया जाता था और जो बाहर बनाता था उसको ग्यारह परसेंट यानी चार परसेंट विच इज अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट वाइल यू आर कैलकुलेटिंग द कास्ट तो ये एक खासा चार से फर्क पड़ जाता है तो उन्होंने इंकरेज करने के लिए लोगों को कि वो ज्यादा से ज्यादा आबाद करें इंडस्ट्रियल स्टेट्स को तो सिंध स्टेट्स का कारपोरेशन ने यह किया कि जो उन लोगों के लिए जो ये लोन अवेल करेंगे विद इन दी इंडस्ट्री वो सात परसेंट मार्कअप देंगे और जो आउटसाइड दी इंडस्ट्री करेंगे वो ग्यारह परसेंट देंगे टोटल डिस्बर्समेंट जो उन्होंने की वह ट्वेंटी प्वाइंट सिक्स मिलियन مختلف की थी سرمایہ کار تھے یا چھوٹے جو صنعت کار تھے ان کو یہ مختلف इंडस्ट्रीज لگانے کے لیے और रिकवरी रेट इनका 47 परसेंट था अब यहां पे थोड़ा सा विदाउट बींग बॉयस हमारा अपना मुल्क है आ, मेरे लिए उतना ही प्यारा सिंध है जितना प्यारा पंजाब है बलूचिस्तान है सरहद है पंजाब में रिकवरी रेट जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा सिंध में कम था उसकी वजह कोई ये नहीं थी कि उसमें सिर्फ यह था कि शुरू में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था रिकवरी का वो जरा वो आर्गनाइज नहीं था सिंध में अब यह सूरत हाल नहीं है इस मोर ऑर्गेनाइज नाउ और मैं यहां पर ये बताता चलू स्टूडेंट्स आपकी रहनमाई के लिए कि ये जो फिगर्स मैं कोट कर रहा हूँ ये फेबररी टू थाउजेंड वन की है वर्ल्ड बैंक की फिगर्स है और चूंकि ये अथेन्टिक फिगर्स है इसलिए आपको जब इसके बाद की कोई फिगर मिले तो आप इससे रेफरेंस जरूर लें मैं गुजारिश फिर कर दू कि फेबररी टू थाउजेंड वन में वर्ल्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक ये फिगर्स जो है ये मैंने आपको जो पेश कर रहा हूँ ये वो है फिर आजाद्याजी स्मॉल डिस्ज डेवलपमेंट बोर्ड एस आई डी बी ये बलुचिस्तान में सॉरी एनडब्ल्यू एफ पी में एनडल्यू एफ पी में उन्होंने ये किया कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया और उसको स्टेटस uh, दे दिया स्मॉल डिटीज का उन्होंने जैसा कि मैंने गुजारिश की uh, सरहद में भी बहुत ज्यादा काम हुआ इस हवाले से कि जो ट्रेडिशनल uh, काम था कार्पेट का पट्टी का गाबा ल्सो अगेन काइंड ऑफ कारपेट जिसको लोक सनत का वहां पे कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है चमड़े का, का काम ब्रॉस का, का काम इसके लिए बहुत ज्यादा काम किया स्मॉल इंडस्ट्री सरहद ने और इनका सबसे बड़ा कारनामा जो मैं समझता हूँ ये है कि विमेन ट्रेनिंग जो है ये सबसे ज्यादा जो हुई ये सरहद के अंदर हुई ये एक बड़ा खुश आइंद एक कदम है कि हमारे अफगान भाई और या हमारे सरहद के भाई जहां पे ख़वातीन सोशली जरा रिस्ट्रिक्टेड हैं बाहर जाने के लिए वहां पे घरों के अंदर उनको मटेरियल पहुंचा के रहा मटेरियल और उनको जो है मौका दिया गया अपने आप की जो डेवलपमेंट है उनकी जो इंटरप्रेनर डेवलपमेंट है उसको मजीद जो निखारने का मौका दिया गया तो हमारी बहनों ने इस तरह से इसमें एक मेजर पार्ट प्ले किया तो जनाब इनकी टोटल उन्होंने पांच कारपोरेट सेंटर्स बनाए जो सरहद की स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड है और उसमें 1320 लोगों को जो है वो आ, उन्होंने ट्रेन किया अब बेशक आपको ये छोटा नंबर नजर आता है 1320 लेकिन ये इस तरह नहीं है ये एक विषय सर्कल है विशेष सर्कल इन द सेंस के जो 1320 बंदे हैं वो एक किस्म के मेन ट्रेनिंग हैं ये एक एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ये एक तरह का सदका जा रिया है उस्ताद से शागिर्द फिर शागिर्द से फिर एक और शागिर्द ये एक गुजस्त से एक चेंज चल जाती है जब ये लोग तेरह सौ बीस है जब ये अपने घरों में जाते हैं तो फिर ये अपने साथ वालों को अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने गांव वालों को अपनी क्लोज कम्यूनिटी को तो ये ट्रेनिंग देते हैं तो बेसिकली 1320 जो है बंदों को ट्रेनिंग देने का मकसद यह है कि 1320 सौ बीस इंस्टीट्यूशन कायम कर दी गई ट्रेनिंग के लिए तो इसलिए हर जो एक आप जिस तरह के हमारी तालीम में है कि जब एक आदमी को आप तलीम देते हैं तो आप एक आदमी को तलीम देते हैं बल्कि आप एक कम्यूनिटी को तलीम देते हैं कि उसने अपनी तलीम को आगे बढ़ाना होता है फरोग देना होता है लोगों में डिसबर्स करना होता है तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है पट्टी ट्रेनिंग पट्टी एक बेसिकली सरहद का बड़ा मशहूर यह लोकल जो ऊन है उससे वो उसका तैयार करते हैं एक पट्टी तैयार करते हैं जिससे मुख्तफ मलबूसात तैयार किए जाते हैं जो कि दुनिया में द बेस्ट हैं फॉर इन वूल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से और अपने जो है उसको सर्दी से बचाव के लिए आजकल ये बड़ा पापुलर है तो उसके लिए दो शहरों में उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर कायम किए और चार जो लोग हैं उनको ट्रेनिज को वहां पे ट्रेन किया गया फिर गाबा और टेक्सटाइल सेंटर्स जो हैं ट्रेनिंग सेंटर्स ये कैम किए गए गाबा में अगेन मैंने जैसे गुजारिश की थी इस काइंड ऑफ अ काफेट जो एक बड़ी एक ट्रेडिशनल चीज है उसकी आजकल बड़ी एक्सपोर्ट में बहुत डिमांड है और इसको ट्रेंड करने के लिए एक बंदे जो हैं ये इसमें इस इसमें इस इस गाबा और मुख्तफ टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए उनको ट्रेन किया गया फिर मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सरहद के अंदर इन्होंने किए सरहद स्मॉल इंडस्ट्रीज जो बोर्ड है उसने हम देखते हैं वो प्रोग्राम क्या हैं वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने जैसे गुजारिश की थी कि हमेशा से हमारी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश रही है और ये हमारे मुल्क की खुशकस्मती है कि हमारी खावन हजरात के साथ साथ शाना बशाना पाकिस्तान की तरक्की में कदम ब कदम चल रही हैं तो सरहद में ये मुख्तलिफ जो देहात थे उनके अंदर जो ट्रेन किया गया खुवान को मुख्तलिफकेशन में जिसमें ज्यादातर कारपेट की सनत थी और वहीं से ये सन्नत जो तरक्की करती करती आज इस मौके पर पहुंची है कि हम जब पाकिस्तान की टेक्सटाइल के बाद जिक्र करते हैं किसी एक स्पोर्ट्स का तो हम टेक्सटाइल में फिर, के बाद फिर कापिट और स्पोर्ट्स को हम एक एक बड़ा दर्जा देते हैं तो ये बेसिकली ये सारी चीजें यहीं से इनकी बुनियाद डलती है कि किस तरह से छोटी सतह पे लोगों को ट्रेनिंग दी गई उनको बताया गया कि जी नॉट्स कैसे लगानी है वूल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं कलर मैचिंग क्या है डिजाइन क्या है इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेंड्स को डिजाइन के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए हमारा जो एक्सपोर्ट के लिए माल जाता है वो बिक सके तो ये एक बड़ी बेसिक ट्रेनिंग थी कि हमने लोक जो हमारा वरसा था उसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल ट्रेंड्स को भी मिक्सअप करना था बोथ इन डिजाइन एंड कलर ताकि मार्केट के अंदर लोकल मार्केट तो है ही एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर हमें हमारा जो है वो शेयर मिल सके और अलहमदुल्ला वो मिला मैंने जैसी गुजारिश की थी दो हजार को ट्रेनिंग दी गई इट्स ए बिग नंबर क्योंकि फिर उन्होंने अपने जाके आगे फर्दर लोगों को ट्रेनिंग दी और इस तरह से यह सिलसिला जो है वो अभी तक जारी सारी है मॉडल पायलट प्रोजेक्ट बनाए गए वुड कार्विंग के लिए लेदर गुड्स के लिए और मुख्तलि वूल की स्पिनिंग है आपको मैं ये बता दूँ कि हमारे सरहद में सबसे अच्छी जो है वो वूल जो है वो मिलती है स्पेशली सवाद के एरिया में और उसके जो स्पिनिंग सेंटर है वह वूल जो है वह बाद में फिर विल्स मिल्स में आती है जिसकी मुख, मुख्तफ प्रोडक्ट बनती हैं इट्स ए प्योर हंड्रेड परसेंट वूल यही वूल जो है वह कापेट इंडस्ट्री में भी एज लोक पंड वूल है वह इस्तेमाल होती है और आजकल ये कापेट्स दुनिया में बड़े मकबूल हैं कि उनमें नॉन केमिकल बेस्ड वेजिटेबल डाइड हैंड्सपन वूल जो है वह यूज होती है तो इसमें पाकिस्तान का बहुत मेजर शेयर है और मैं ये यह यहाँ पे ये यह जरूरी समझता हूँ कि आपसे ये गुजारिश कर दूं कि इस शेयर को हासिल करने में जहां पे हमारे मेल क्राफ्टमैन का दखल है वहां पे हमारी फीमेल जो खुतानी हैं जो यानी जो फीमेल क्राफ्टमैनशिप है खातान हमारी देहात में कालीनो में काम करती हैं उनका शेयर बहुत ज्यादा है तो तकरीबन एट थाउजेंड आठ हजार के करीब जो खुवान हैं और जो ट्रेनिज हैं उनको इस सिलसिले में ट्रेन किया गया Uh, इस वक्त जो uh, मैंने गुजारिश की थी जैसे कि दुनिया में जो uh, बड़े बड़े एग्जीबिशन uh, हो रही हैं uh, हनोव में या जर्मनी में या जहाँ भी uh, हमारे कापेट की uh, पाकिस्तान के लिए उसमें जो हमारे सरहद के बने हुए कापेट्स हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इन हैं बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स के बिकॉज ऑफ द नेशनल वूल एंड हैंड्सपन वूल उनको इन्वॉर्मेंटली बड़ा फ्रेंडली समझा जाता है और चूंकि वहां पे ये मरवज है कि उसको वेजिटेबल डाई जैसे कहा जाता है यानी नॉन केमिकल तरीकों से जो है वो ऊन को रंगा जाता है इसके साथ साथ बाज़ात ये भी करते हैं कि मुख्तफ इलाकों में ऊन के जो शेड्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं तो उनको रंगे बगैर विदाउट डाइंग दैम दे कन्वर्ट इन टू द डिजाइन दैट इज अ न्यू ट्रेंड इन द इंटरनेशनल मार्केट जैसे मैंने गुजारिश की थी कि यहां पे हमारी जो स्मॉल डिस्ज हैं उनका ये भी काम था इस कॉपरेशन का कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल जो कलर स्कीम्स हैं और जो ट्रेंड्स हैं वो जब बताएंगे हमारे कारीगर को तो फिर हम इस काबल होंगे कि हम वैल्यू एडेड जो हैं अशिया बना सकें और इंटरनेशनल मार्किट में अपनी चीजों की कीमत उनके मुताबिक पा सकें तो ये एक मेजर रोल है जो प्ले किया गया नौ इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई जी एनडब्ल्यू एफ पी में जैसे मैंने गुजारिश की थी पंजाब में चौदह सिंध में सत्रह और सरहद में नाइन इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं उनका कयाम अमल में आया टोटल जॉब क्रिएशन जो है वो चार हजार पांच है मैं फिर गुजारिश करूं ये 2001 के फिगर्स हैं हमारे पास जो मोस्ट अथेंटिक फिगर्स अभी तक आए हैं वो यही थे uh, तो uh, ये इसके साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इज वन मेजर पार्ट ऑफ दिस कॉरपोरेशन एक मिलियन रुपीज को इन्होंने वन मिलियन रुपीज को डिसबर्स किया टू चार सौ जो बावन जो इंटरप्राइजेज हैं उनके अंदर तो इस तरह से इन्होंने ये अपना जो सिस्टम था इसको चलाया पच्चीस मिलियन रुपया जो है वो इन्होंने इस, इसके अलावा यानी अदर देन दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो सरहद की है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का जो, जो या बोर्ड है उसने इसको आ, तकसीम किया डिसबर्स किया लोगों के अंदर आगे हमारे आए थे डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज बलुचिस्तान बलुचि में हमारी जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज है ये बेसिकली 72 में जब हमारा जो पहले से ये वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन थी लेकिन जब ये फिर थोड़ा सा हमारा ईस्टर्न विंग विंगदा हुआ तो इसको कर दिया गया डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज प्रवेंशल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल को भी हैंडल करती थी और स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी उसके अंडर कर दिया गया सिंध बलोचिस्तान के अंदर उन्नीस में ये जो है स्टेप लिया गया कि इस महकमे को डायरेक्टली कर दिया गया अंडर दी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो आ, हैं और इसको दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री लोकल जो प्रवेंशल लेवल की है उसके अंडर कर दिया गया तो बलोचिस्तान के अंदर आ, जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती हैं जो uh, हमारा ये महकमा है उसको हम ये देखते हैं ट्रेनिंग सेंटर जी सिक्सटी थ्री ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए जो तो मुख्तलिफ ट्रेड्स की ट्रेनिंग देते थे और उसमें एक सर्विस सेंटर बनाया गया पांच सेल और डिस्प्ले सेंटर बनाए गए यानी जो हैंडीक्राफ्ट थी उनको डिस्प्ले करने के लिए और उनकी सेल के लिए पांच बड़े मरकज खोले गए बलूचिस्तान इज ए वेरी रिच प्लेस फॉर दी हैंडीक्राफ्ट बिकॉज ऑफ द रिच हैरिटेज तो जरूरत थी ऐसी जगहों की जहां पे मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ छोटी छोटी जगहों से इकट्ठा करके उनको डिस्प्ले किया जाए टूरिस्ट को हमारे अपने वतन लोगों को ये बताया जाए कि जनाब यहाँ क्या क्या बनता है और क्या क्या घोर छुपे हुए हैं और फिर उनको उसी हिसाब से न सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि फॉरन मार्किट में एज हैंडीक्राफ्ट उनको बेचा जाए हमारे बलोची जो कार्पेट्स हैं उनकी भी एक बड़ी अच्छी मार्केट है इंटरनेशनल और उनके अपने डिजाइन हैं जो कि बड़े पसंद किए जाते हैं अपने ट्रेंड्स हैं कलर्स हैं उसके बाद एक इंडस्ट्रियल स्टेट इन्होंने बनाई टोटल जो आ, इसकी डेवलपमेंट में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने अब हम जिक्र करेंगे जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जहां पे मुख्तलिफ़ सहूलियात के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई गई चारों के सूबों के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएगी वहां पे साइड बाई साइड दे वॉज ए नीड दैट साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन शुड बी देयर टू कैटर फॉर द फाइनेशियल नीड्स तो कैपिटल फ्राम करने के लिए गवर्नमेंट ने, ने नेशनल लेवल पे यानी फेडरल लेवल पे और प्रवेंशनल लेवल पे मुख्तफ इंस्टीट्यूशन बनाए और उनका मकसद ये था कि जो लोगों को छोटी इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल और कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों यानि जो है वह फराहम किया जाए उसमें मुख्तलि इदारे बने आ, उनकी मुख्तलिफ जो है कारकरदगियां हैं कुछ अभी तक चल रहे हैं कुछ को मर्ज कर दिया गया रीशेपिंग करके री स्ट्रक्चरिंग करके ताकि वह मजीद बेहतर हो सकें मजीद उनकी कारदगी मैं यहां पर गुजारिश करूं शुरू में जब कुछ इदारे बनते हैं तो चूंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो जरा थोड़ी सी उसमें कुछ खराबियां रह जाती हैं लेकिन वक्त के साथ साथ सारा कुछ ठीक हो जाता है और इसी तरह हमारे इदारे आहिस्ता आहिस्ता बड़ी अच्छे तरीके से बड़े खुशायन तरीके से अपनी मंजिल की तरफ गामजन है तो हम देखें कि फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन में आ, आ, हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह से आ, जो है स्पेशल इंस्टीट्यूट बनाए दोज दो कैटरिंग फॉर दी स्मॉल इंडस्ट्रीज ओनली तो उनकी डेवलपमेंट जो है दैट इज द मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट टूवर्ड दैट पहला इदारा जो इसमें है जी वो है एस पी एफ सी स्मॉल बिजनेस फैनैस कॉरपोरेशन ये इदारा नाइनटीन सेवेंटी टू में बनाया गया बड़ा फहार इदारा था और इसमें शुरू में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया गवर्नमेंट में बेतहाशा फेडरली कंट्रोल इंस्टीट्यूशन है बहुत ज्यादा इसको फंडस दिये आ, उसकी आ, कुछ ये भी हुआ कि इस इदारे को बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट की बजाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ डिवर्जन दी गई तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो थे वो तकरीबन सेवनटी से एट्टी परसेंट जो लोन्स थे वो नॉन परफार्मेंस की वजह से वो उनका जरा ठीक ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इसकी हम देखते हैं जी कि क्या हमारे सामने इसका स्ट्रक्चर आता है नाइन्टी एट परसेंट डिसबर्समेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को की गई सिर्फ दो जो है इंडस्ट्रीज को की गई अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डिसबर्समेंट गवर्नमेंट ने तो बड़ी नेकनी से की और इस दिल इस खलूस नियत से की कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं बेकार हैं जो वो कुछ वेकेशन में जाएंगे रिटेलिंग शॉप्स बनाएंगे कुछ छोटी मोटी वर्कशॉप्स बनाएंगे कुछ क्राफ्टमैनशिप पैदा करेंगे कोई ऑटोमोबील के जो पार्ट्स हैं उनमें आएंगे या कुछ छोटी वेंडर इंडस्ट्रीज में आएंगे यानी उनको पैसे इसलिए दिए गए कि वो इससे छोटी इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री को तरवीज दें और अपनी बेरोजगारी को भी यानि एक बहुत मेजर स्टेप था अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए तो गवर्नमेंट ने तो बड़े खलूस नियत के साथ और बड़ा इट वाज अ वेरी वाइज स्टेप टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पीपल लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि काफी सारा तजरबा तलख था उसकी रिकवरी का दो परसेंट इसमें अवेल किया गया टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि अगेन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे ये इदारा यह टू में इसको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया क्योंकि जो 70 परसेंट इसका जो पोर्टफोलियो था क्रेडिट का वो नॉन परफॉर्मेंस की वैसे लोन नॉन परफॉर्मेंस की वजह से वो खराब हुआ तो उन्होंने कहा जी कि इसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए रिस्ट्रक्चरिंग में मुख्तफ उन्होंने इसके अंदर चेंजेस की तो हम देखते हैं कि कैसे रिस्ट्रक्चर किया गया नया जो स्टाफ है ह्यूमन रिसोर्स आईटी बेस्ड रखे गए की उन्हें नॉलेज दी गई और उन्हें ये बताया गया जी कि आपने जो किसी को गाइड करना है तो किस तरह से करना है उसकी सारी इन्वेंट्री जो है और उसके सारे जो आ, कर्जे लेने वाले थे उनको आईटी बेस्ड उनका रिकॉर्ड रखा गया और फिर लोगों को फिजिबिलिटीज मुहैया की गई उनको आ, एक रास्ता दिखाया गया कि जनाब किस तरह से आपने आ, जो है वो करना है इसके साथ साथ ना सिर्फ आ, आ, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को किया बल्कि ओवरहेड्स को भी कम किया वो किस तरह से कि इन्होंने अपने जो दफातर थे उनकी मिकदार को कम किया और कुछ 260 लोग जो थे आ, उन्होंने गोल्डन चेक हैंड लेके कहा कि जी हम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे टर्म्स पे उनको फारिग किया तो एसपीएफसी जो है उसका फाइनेंशियल स्टेस्टेज ये है कि उन्होंने जिनिंग कॉटन टेक्सटाइल पैरल और मार्बल और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए जो है कराइज वो दिए याद दे रही हैं और इनकी लैंडिंग लिमिट जो है वो 1.5 मिलियन है ऐसी इंडस्ट्री के लिए जिसका टोटल जो जो है सरमाया टोटल लागत जो है उसमें जो मैं प्रोडक्टिव एसेट्स की बात कर रहा हूं याद रखें कि जब प्रोडक्टिव एसेट्स का जिक्र आए तो उसमें आप लैंड एंड बिल्डिंग को माइनस कर दिया करें तो ऐसी इंडस्ट्री जिसकी जो प्रोडक्टिव एसेट्स को निकाल के टोटल लागत जो है वो पचास लाख तक यानी पांच मिलियन है उसमें वन पॉइंट फाइव यानी पंद्रह लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस एस बी एफ सी देता है उसके बाद फिफ्टी परसेंट जो है टोटल पोर्टफोलियो जो है वो स्मॉल बिजनेस में ये कर सकता है इन्वेस्ट उन इंडस्ट्रीज में जहां के टोटल वैल्यू बीस मिलियन है यानी अगर दो करोड़ रुपया किसी इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू है एक्सक्लूडिंग दी प्रोडक्टिव एसेट्स तो उसको असिस्टेंस जो है फिफ्टी परसेंट तक जो असिस्टेंस है वो एस जो है फम करता है अपर अप छीलिंग जिन इंडस्ट्रीज की लागत की 20 मिलियन यानी दो करोड़ रुपए तक है एक और बड़ा मेजर इसमें है कि जनाब अगर किसी ये मीडियम साइज इंडस्ट्रीज के लिए है इंडस्ट्री की जो टोटल लागत है वो सौ मिलियन है अगेन इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स यानी लैंड बिल्डिंग को निकाल के वो अगर 10 करोड़ तक है तो उसकी तीस परसेंट तक जो सबऑर्डिनेशन है लोन की आ, वो एस जो है वो कर देता है विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर विलियम इंडस्ट्रीज क्योंकि इस तरह से उनको ये सब्सिडाइज लोन आ, जो है आ, जिसका इंटरेस्ट थोड़ा है ये उनको मिल जाता है आ, और इसकी मौजूदगी में दे कैन गो फॉर अदर लोन्स जब सब्सिडाइज लोन होगा साथ आपके तो आपको जो है वो ज्यादा सहूलत मिलेगी दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास जाने के लिए अगला इदारा जी हमारे पास जो आता है वो आर डी एफ सी है आर डी एफ सी बेसिकली इस फेडरल एंटिटी इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है ये रीजनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन हमारा एक बड़ा मशहूर डी एफ आई था एनडीएफसी नेशनल डेवेल्पमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि बहुत अपने वक्त का मशहूर इदारा था बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन देने में ये उसी की एक सब्सिडरी थी जिसको ऐसे इलाकों के लिए बनाया गया जो कि बहुत छोटे यानी अंडर डिवेलप सिटीज के अंदर जो संतें लगनी थी उनके लिए इस इदारे को बनाया गया इस इदारे का रोल बड़ा अच्छा रहा और काफी ये इदारा फहाल रहा तकरीबन चौदह आ, इनकी ब्रांचेज थी पाकिस्तान में विद एन हेड ऑफिस इन आ, इस्लामाबाद तो हम देखते हैं कि इस इदारे के क्या नंबर्स हमारे पास आते हैं 1985 में ये स्टेबलिश हुआ चौदह ब्रांचेस जैसे कि मैंने गुजारिश की अंडर डिवलप्ड एरियाज में इसकी मौजूद हैं छोटे लोन्स इसका मेन पोर्टफोलियो था कि जी छोटे लोन्स जो हैं वो सन्नतकारों को देने हैं इसके अलावा जो इनके पास सरप्लस फंड थे क्योंकि ये जब बना इदारा, इदारा बना था तो तकरीबन इसका जो अप कैपिटल था वो खासा हैवी था तकरीबन 2000 मिलियन के रुपीज के करीब इसका अप कैपिटल था तो इनके पास खासा सरप्लस फंड था तो मनी मार्केट को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को स्टॉक मार्केट को ये इसके साथ साथ खुद भी मैनेज करते थे ताकि इनकी जो आमदनी है और इनकी जो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो साथ, साथ बढ़ती रहे तो ये इसका एक एक्स्ट्रा जी एक फंक्शन था विद इन दर्गेनाइजेशन आल दो उससे आम आदमी को, को फायदा ना हो लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा तो नेचुरली वो फायदा फिर ट्रांसफर होगा इंडिविजुअल्स पे जो कि उसके क्लाइंट्स हैं अब इन्होंने दे हैव रिस्ट्रेंड द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग इन्होंने कुछ अरस से जो है वो लैंडिंग बंद की हुई है और ये एक प्रोसेस uh, में है रिकवरी के ताकि इस रिकवरी को पूरा करके जो उन्होंने सस्पेंड अब तक की है नए खतूत पे इसवार किया जाए इस ऑर्गेनाइजेशन को और इसको इसके फंक्शंस को ज्यादा बेहतर बनाया जाए तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जी वो आईसीआरडब्ल्यू ये एक रूरल फाइनेंसिंग प्रोग्राम है बड़ी छोटी सतह पे ये जो है इसका बेसिकली इसका जो बेस है वो एन इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं और ये स्पेशली हमारी जो देहाती खातें हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए ये बना है इसमें पच्चीस हजार से लेकर दो लाख रुपये तक की लिमिट है और इसका तजर्बा बेसिकली ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के मॉडल को मद्देनजर रखते हुए किया गया जो बड़ा कामयाब हुआ और इसमें रिस्पॉन्स जो था वो बहुत अच्छा मिला रिकवरी रेट इसका बहुत अच्छा है और डिफॉल्ट रेट इस वेरी वेरी निगलिजेबल तो उसमें तभी अभी तक जो तकरीबन इंटरेस्ट रेट है वह दस परसेंट सब्सिडाइज रेट टू फेसिलिटेट एंड टोटल की गई वो टू पॉइंट फाइव मिलियन पच्चीस लाख रूपये की गई मैंने जैसी गुजारिश की थी कि पच्चीस हजार से दो लाख तक ये लिमिट है इसकी जहां पर कोई फिट इंड हो उतना उसको लोन दिया जाता है अगला जो हमारे पास बैंक आता है यह है जी आई डीबीपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान आईडीबीपी इज ए वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन बेसिकली इस बैंक विच वॉज डिजाइंड टू कैटर फॉर दी इंडस्ट्रियल लोन्स और स्पेशली दी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज इस बैंक की जो एक एडेड फेसिलिटी है वो ये है कि इनके पास दे हैव गाइडेंस सेंटर इनके पास बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है फिजबिलिटीज की और ऐसे टीम की जो शुरू से गाइड कर रहा है कि आपको किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सा सेक्टर आपके लिए फिजबल है फॉर मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट्स तो आई डी इज बेसिकली फेडरल एंटिटी अंडर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस इदारे ने टैक्सटाइल की सनद में वुड वर्किंग की सन्द में लेदर की सन्द में सरेमिक्स में बेशुमार इन्वेस्टमेंट की और बोरिंग की लोगों ने इनसे एक अच्छा इदारा है जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो है कि ये इदारा अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको फैसिलिटी देता है लोन के लिए और उनको ये मज़ीद जो है वो करता है गाइड करता है कि जी किस फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा तो अब तक जो इस बैंक की कारकरदगी रही है वो इस तरह की रही है कि खास अच्छा इसमें जो है वो इसका पोर्टफोलियो रहा है हम आ, ये उम्मीद करते हैं कि जी आ, मजीद इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कायम किए जाएंगे आ, जैसे एस एम ई बैंक है खुशहाली बैंक है आ, हम उनका जिक्र करेंगे कि किस तरह से आ, जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से आ, किस तरह इनको कायम किया गया और वो तरक्की में मद्दमा साबित हुए मैं आई डी बी बी की बात कर रहा था तो ये जो टर्म फिनेंसिंग है इसमें इसका एक मेजर पोर्शन इन्वॉल्व है इनकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का और बैंक ऑफिस जो हैं वो इन्फॉर्मेशन प्री फिजबिलिटीज मैंने पहले गुजारिश कर दी थी कि वो वाहम पहुँचाते हैं जिन अफराद को इसकी जरूरत होती है और उस सिलसिले में बैंक जो है ये खासा फाल है इसका एक जो बड़ा मेजर रोल है वह है जो ग्रोथ है एस की उसमें अगर हम सबको देखें डी को या दूसरे तो आई का रोल हमें सबसे ज्यादा जो है ओवरवेलमिंग नजर आता है ये ज्यादा हमें आगे नजर आता है दूसरे इदारों की नस्बत और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चूंकि फेडरल एंटिटी है इसलिए इसको पूरी सपोर्ट हासिल है स्टेट बैंक की तो जो एल है लोकल मैनुफेक्चरिंग मशीन का लोन आ, स्पेशली वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स किया गया इस बैंक के थ्रू जिससे ना सिर्फ ये हुआ कि लोकल मशीनरी को जो है वो आ, उसको ये फरोग मिला उसके और बल्कि ये भी हुआ कि लोकल मशीनरी बेस्ड जब इंडस्ट्री लगी तो उसके साथ कई चीजें जो थीं उनको फायदा पहुंचा यानी लोकल मशीनरी बनाने वालों को भी फायदा पहुंचा हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज था जो हम सर्फ करते थे इम्पोर्टेड मशीनरी को मंगाने में वो भी बचा आई की यहां पर मैं ये गुजारिश कर दूं बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि एल जो है लोकल मैन्यूफेक्चरिंग मशीनरी के अगेंस्ट लोन है जो शुरू हुआ था दो परसेंट के इंटरेस्ट रेट से विच इस नवाड्रीम उसको इसने बड़े अच्छे तरीके से uh, डिसबर्स किया मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में तो ये रोल जो है आई डी बी पी का ये बड़ा एक uh, जिसे कहते हैं uh, बड़ा एक पॉजिटिव रोल है uh, और दूसरा ये अकेला इंस्टीट्यूशन था शुरू में जिसके पास फिजिबिलिटीज प्री फिजिबिलिटीज ब्रेक इवन एनालिस की फैसिलिटीज और वहां पे आप ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट कर सकते थे जनाब मेरे पास ये इक्विटी है मैं एक प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ इस वक्त मार्केट में इसकी क्या सूरत हाल है तो वो आपको गाइडेंस देते थे जनाब कि आप ये फिजीबिलिटीज हैं ये देख लें ये सूरत हाल है ये डिमांड है ये मैन्यूफेक्चरिंग है ये एग्जिस्टिंग मार्किट है तो इस तरह से इसका रोल जो था वो बहुत ज्यादा अहम था जो आई का और स्टिल है जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की तो हमने देखा कि मुख्तलफ हमने इंस्टीट्यूशन को आ, जो है डिस्कस किया यहां पर मैं ये गुजारिश कर दू कि वाइल वी डिस्कस अबाउट दी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन तो हमें जो सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है वह इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से भी मिलती है और हम जो ये चीज इसमें अब डिस्कस करेंगे जो अपने नेक्स्ट लैक्चर में वह बड़ी जरूरी है वो ये चीज़ है जी कि किस तरह से एनजी ओज जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने अपना किरदार जो है वो अदा किया बोथ एट कम्यूनिटी लेवल और एट दी फाइनेंशल लेवल कम्यूनिटी लेवल पर किस तरह कि ये जो इदारे हैं ये न सिर्फ ये कि हमारी जो है सोशियो इकनॉमिक जो हमारा स्टेटस है उसको अपग्रेड करते हैं बल्कि जो एन जी ओज ने काम किया वो देहात में जाके ना सिर्फ रोजगार था बल्कि वो कुछ और इसके साथ फैक्टर्स भी थे जिसमें आ, जो आपकी सेल्फ इस्टीम्ड है इज्जत नफ्स की बहाली है खुवा को आ, जो है वो ना सिर्फ बेसिक जो है जो क्रासमेंटशिप है वो बताई गई बल्कि बहुत छोटे छोटे लोन दिए गए तो इसमें हमारी मैंने जैसे गुजारिश की मुख्त इंटरनेशनल डोरन एजेंसीों ने बहुत अहम हिस्सा जो है उनका है उसमें यूनिडो और यूनाटेड नेशनज है आई है वर्ल्ड बैंक है आ, उसमें जैपनीस जीका है जैसे आ, इदारे हैं इन इदारों ने आ, और मुख्तलिफ एन जी ओज ने आ, हमारी कम्यूनिटी को सोशल बेसिस पे और तमाम दूसरे बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा इस्टेबलिश किया तो हमारा जो नेक्स्ट अब हम डिस्कशन है वो है कि जी वट इज द रोल ऑफ एन जी ओज जो है हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये शुरू करना है इन द डेवेलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर इन पाकिस्तान तो मैं यहां ये गुजारिश कर दू कि थोड़ा सा समराइज कर दू कि हमने रोल देखा हमारी गवर्नमेंट का बोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स एंड इन फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट ने हेल्प आउट किया फाइनेशियल लेवल पे और इन्फ्रास्ट्रक्चर लेवल पे मुख्तलिफी सतह पे रीजनल सतह पे सब रीजनल सतह पे किस तरह से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए किस तरह से उन्होंने अपने पायलट प्रोजेक्ट्स बनाए और किस तरह से लेबर को जो है वो मजीद बेहतर बनाया उनकी वोकेशनल स्किल्स को मजीद बेहतर बनाया अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर हमने अब जो अपने अगली जो लेक्चर में डिस्कस करना है वो एन का करेक्टर है एनजीओ केैक्टर के साथ साथ हमने यह देखना है कि जनाब किस तरह से हमारे जो हमने रेग्लेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने क्या किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है हमें क्या क्या हमने तब्दीलियां की हैं इस स्ट्रक्चर में और क्या क्या तब्दीलियां मजीद रिक्वायर्ड हैं। तो इस तो सिलसिले में मुख्तफ गाइडलाइन जो है वह वर्ल्ड बैंक ने भी दी है खुद अलहमदल्ला हमारी गवर्नमेंट की स्टडीज इस सिलसिले में बड़ी अच्छी है Uh, हम इसमें अब ये भी पढ़ेंगे कि हमारे जो मुख्तफ इदारे हैं रेगुलेटरी बॉडीज जैसे समीडा है स्मॉल एंड बिजनेस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजे डेवलपमेंट अथॉरिटी उनका रोल क्या है और किस तरह से वो एक वेरी पावरफुल टूल की हैसियत से वो आगे आ रहे है तो बेसिकली uh, uh, ये तमाम चीजें जो है ये हमें लेके जाती हैं टवर्ड्स एनएसएमई कल्चर विच इज नीड ऑफ द डे एंड वी क्ड प्राउडली से जी हम इंशाल्लाह एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब हम आ, कह सकेंगे कि हम जी जापानीज़ या जो आ, हमारी अटैलियन इकॉनमी है जिसका बेस्ड सारे का सारा एस एम ई है हम उनके मुकाबले पे पहुंच जाएंगे तो आ, ये मेरे आ, आज के लेक्चर का बेसिक कॉन्टेक्स्ट था हमारा जो अगला लेक्चर है उसमें मैंने जैसे पहले गुजारिश की हमने रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में पढ़ना है हमने एनजीओस के रोल के बारे में पढ़ना है अब तक जो हो चुका है उसके बारे में हमने देखना है क्या है और मजीद आ, क्या क्या हो रहा है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या सामने आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है उसमें वर्ल्ड बैंक की स्टडीज क्या कहती हैं उसमें हमारी लोकल स्टडीज क्या कहती हैं उसमें यूनिसेफ की स्टडीज क्या कहती हैं आई की स्टडीज क्या कहती हैं तो इस तरह से हम इसको बढ़ाते जाएंगे स्टूडेंट्स मैं यहां फिर गुजारिश कर दू एक छोटी सटेप है आपके लिए जब आप लेक्चर सुनें या रिकॉर्डिंग सुनें टेलीविजन पे तो कोशिश किया करें कि उसको या अपनी सीडीज पे कि उसको सुनने के बाद दो दफा सुनने के बाद अपने हैंड राइटिंग में अपने तौर पर सोच के जरूर लिखें ये आपको बहुत फायदा देगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिये खुद दिलगा के पढ़िए अच्छे स्टूडेंट्स बनिये असल